प्रधानमंत्री की अपील के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में हाहाकार मचा रखा है और कोरोना वायरस को WHO द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते पूरा भारतवर्ष अलर्ट पर है। और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सभी अपने घर से ना निकले। साथ ही कोरोना के बचाव और जागरूकता फैलाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा और कहा कि सुरक्षा, सतर्कता और सावधानी ही आपका बचाव है। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का असर गदरपुर, दिनेशपुर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां जनता ने प्रधानमंत्री के अपील का समर्थन करते हुए अपने ही घर में कैद हो गए और सड़कों पर फैला सन्नाटा और गलियां सुनसान साफ साफ बता रही हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जनता के मन में कितना खौफ है। जैसा कि सभी को लोगों को मालूम है कि कोरोना को WHO द्वारा महामारी घोषित किया गया है। इसके प्रिकॉशन को मतलब इसको रोकथाम के लिए एक अपील की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि आज जो है जनता द्वारा जनता के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। देखने में आ रहा है कि दिनेशपुर कालीनगर चक्की मोड़ पूरे क्षेत्र में ही जो है सभी लोगों द्वारा 100% जो है इसका समर्थन किया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है। इक्का दुक्का लोग जो निकल के बाहर को आ रहे हैं तो उनसे मालूम की जा रही है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या काम है करके। कुछ लोग इमरजेंसी है उनकी, किसी को दवाई लेने जाना है, किसी को कहीं जाना है तो उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग अनावश्यक रूप से न निकलें। जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और जो है पूरी जनता जो है दिनेशपुर क्षेत्र की माननीय